हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको दिखाऊंगा आप एप्पल आईडी कैसे बनाएंगे, या तो आपने अगर आईफोन लिया है तो उसमें आप जो आपका पुराना एप्पल आईडी है उसे कैसे लॉगिन करेंगे, अगर नहीं है तो आप फर्स्ट टाइम कैसे उसे लॉगिन करेंगे। तो फर्स्ट टाइम आप कैसे क्रिएट करेंगे वो भी दिखाऊँगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपका मोबाइल का सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद ही आपके सामने यहाँ पर साइन इन टू योर आईफोन, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ यहाँ पर देखिए आपको डाटा कनेक्शन लेना होगा, मतलब वाईफाई लेना होगा। तो मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। किसी भी मोबाइल से आप हॉटस्पॉट ऑन करके कनेक्ट कर लीजिए। तो गाइस हॉटस्पॉट कनेक्ट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आया है एप्पल आईडी, जिसमें साइन इन एंड ईमेल और फ़ोन नंबर, मतलब आप फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी से नया से आप इसे लॉगिन कर पाएंगे। और अगर आपके पहले से है तो आप उसे एंटर कर सकते हैं। तो मुझे अभी करना है, तो क्योंकि मुझे न्यू आईडी बनाना है तो आई डोंट हैव एन एप्पल आईडी, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह ऑप्शन आएंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा। तो यहाँ पर मैंने जो डेट ऑफ बर्थ और नेम मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको डालना होगा आपका ईमेल आईडी। सो ईमेल आईडी डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड डालना होगा, पासवर्ड को रीटाइप करके वेरीफाई करना है। सो यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड डाला था वो वीक पासवर्ड बता रहा है, तो आपको एक लेटर के साथ कोई नाम भी रखना होगा, मतलब जो आपका पासवर्ड ले लेगा तो अब आपके सामने इस तरह ऑप्शन आएंगे जिसमें आपको आपका फ़ोन नंबर डालना होगा। तो आप फ़ोन नंबर डाल लीजिए जिसमें ओटीपी आएंगे। फ़ोन नंबर डालने से पहले आपको इंडिया सिलेक्ट करना होगा, फिर आपको फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक टेक्स्ट मैसेज और एक फ़ोन कॉल। तो आप किसी टेक्स्ट मैसेज में कंटिन्यू, मतलब जो ओटीपी आएंगे तो उसके लिए मुझे टेक्स्ट मैसेज चाहिए। तो जिस नंबर मोबाइल पर ये नंबर है वहाँ पर वो ओटीपी जाएगा। उसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे उसमें आप सेंड एक ईमेल भेज दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एग्री पे क्लिक करना है। जैसे आप एग्री पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए साइन इन, ओके। उसके बाद इस तरह ऑप्शन आया है वेरीफाइंग, तो आपका जो नेम है और ईमेल आईडी है यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सब कुछ होने के बाद यहाँ से भी कर सकते हैं या तो यहाँ से भी कर सकते हैं, आपको जो ईमेल है वो वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसमें क्लिक करेंगे तो जो ईमेल वेरीफाई का ऑप्शन आएंगे तो यहाँ पर आएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी ईमेल पर जो आपने दिया है उस ईमेल पर आपको सेंड कोड पर क्लिक करना है। उसके बाद जो ईमेल है उसमें एक कोड जाएगा, वेरिफिकेशन कोड 6 डिजिट का ओटीपी, तो आपको उस ओटीपी को डालना होगा। ओके, यहाँ पर देखिए जो एप्पल आईडी का ऐप ईमेल वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है, अभी सब कुछ हो गया है। तो अभी आपको क्या करना है, बैक आना है और बैक आके आपको देखना है कि आपका जो ऐप स्टोर है इसमें से आपका जो ऐप है वो डाउनलोड होता है या नहीं। सबसे पहले आपको मैं YouTube डाउनलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए YouTube आ गया है, तो जस्ट आपको गेट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएंगे, इंस्टॉल। उसके बाद जो पासवर्ड आपने लगाया था वो पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा। तो आप देख सकते हैं जो मेरा YouTube है वो अभी धीरे धीरे डाउनलोड होने लगा है। तो आपको भी क्या करना है, इसी तरह सेटअप सब कर लेना है। तो गाइस आज के वीडियो में मुझे यही दिखाना था कि एप्पल आईडी आप कैसे बनाएंगे। तो अभी देखिए जो मेरा एप्पल आईडी है वो बन के तैयार हो गया है। तो आज का वीडियो में इतना ही।